तो इस तरह सिखों को मिले थे चौथे गुरुवार। इस उपाधि के लिए देनी पड़ी थी बड़ी परीक्षा। सिख कैलेंडर के अनुसार 26 अक्टूबर 2018 को सिखों के चौथे नानक गुरुवार रामदास जी का प्रकाश उत्सव मनाया जाएगा। यह दिन सभी सिखों के लिए और खास तौर पर अमृतसर शहर के लोगों के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि गुरुवार रामदास द्वारा ही अमृतसर नगर बसाया गया, जिसे उस समय चक रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। उनके जन्मोत्सव के मौके पर पूरा शहर दीप लाइटों से सजाया जाता है। गुरुवार रामदास जी का जन्म कार्तिक पदी 2 सनवत 1561 को चूना मंडी, जो आज लाहौर पाकिस्तान में है, में हुआ था। इनके पिता का नाम हरिदास मलसोढ़ी और माता का नाम अनूप देवी था। सिख गुरुगद्दी पर बैठने के बाद इनका नाम गुरुवार रामदास रखा गया। इससे पहले इनका नाम जेठा जी था। आइए जानते हैं गुरुवार रामदास जी को सिख धर्म की गुरुगद्दी कैसे मिली। यह तब की बात है जब सिखों के तीसरे नानक गुरुवार अमरदास जी के हाथ सिख संगत की बागडोर थी, लेकिन उनकी उम्र काफी हो गई थी और उन्होंने फैसला लिया कि अब वे सिखों को उनके अगले गुरुवार से जल्द ही परिचित कराएंगे। गुरुवार अमरदास जी की दो पुत्रियां थीं, बीबी धानी और बीबी भानी। बड़ी बेटी धानी का विवाह राम नाम के एक व्यक्ति से हुआ था और छोटी बेटी भानी का विवाह उन्होंने जेठा रामदास से करवाया था। एक दिन उन्होंने राम और रामदास दोनों की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने कहा कि मैं एक बड़े सरोवर का निर्माण करवा रहा हूं, लेकिन सरोवर का कैसा चल रहा है यह देखने के लिए मुझे एक ऊंचे चौबारे की जरूरत है। तुम दोनों उसका मेरे लिए अपने हाथों से निर्माण करो। आज्ञा पाकर दोनों ने अच्छी लकड़ी और आवश्यक औजारों को एकत्रित किया और कार्य में लग गए। पूरी लगन और निष्ठा से उन्होंने रातों रात चौबारा खड़ा कर दिया। अगले दिन गुरुवार अमरदास उन दोनों चौबारों को देखने के लिए पहुंच गए। पहले उन्होंने राम द्वारा बनाया चौबारा देखा और देखते ही कहा कि यह मेरे कहीं मुताबिक नहीं बना है, इसे तोड़ो और दोबारा बनाओ। आज्ञा पाकर उसने वैसा ही करना स्वीकार किया। इसके बाद गुरुवार जी रामदास के पास गए और उसे भी वही बात कही। रामदास ने गुरुवार जी के आगे सिर झुकाया और काम के लिए वापस लौट गए। दोनों ने रात भर फिर से काम किया और दोबारा चौबारा बनाया। अगले दिन गुरुवार अमरदास दोनों के सामने गए और फिर से कहा कि उन्हें दोनों का काम पसंद नहीं आया। इस बार राम को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन वे चुप रहा। दोनों फिर से काम में लग गए। आखिरकार तीसरी बार फिर से दो अलग अलग चौबारों का निर्माण किया गया, लेकिन इस बार फिर गुरुवार जी ने सिर नाकी मुद्रा में हिलाते हुए कहा कि उन्हें काम पसंद नहीं आया। इस बार राम चुप नहीं रहा और उसने कहा कि वह समझ नहीं पा रहा है कि गुरुवार जी क्या चाहते हैं। वो इससे अच्छी इमारत नहीं बना सकता, इसलिए और नहीं बनाएगा। इतना कहते हुए वो वहाँ से चला गया। गुरुवार रामदास सिखों के चौथे गुरुवार, जिन्होंने बसाया था अमृतसर नगर, जाने उनके बारे में 15 बातें। अब बचा था रामदास, जिसने फिर से गुरुवार जी की आज्ञा पाकर दोबारा काम शुरू किया। एक के बाद एक कितने ही दिनों तक वो काम करता रहा, लेकिन गुरुवार जी बार बार उसके कार्य को असफल बताते रहे। आखिरकार एक शाम वह गुरुवार जी के पांव में आकर गिर गया और उनसे विनती करने लगा कि गुरुवार जी, मैं आपकी बात समझ पाने में असमर्थ हूँ, कृपया आप ही बताएं कि आपको किस तरह का काम चाहिए। तब गुरुवार जी ने उसे उठाया और गले लगाया, कहा कि मैं तुम्हारी मेहनत और लगन से बेहद खुश हूँ। तुम में वो सारी गुण हैं जो एक गुरुवार में होने चाहिए। अगले दिन उन्होंने रामदास को नए वस्त्र दिए, सिख संगत के सामने लेकर गए, स्वयं गुरु गद्दी पर बिठाया और बाबा बूढ़ा जी से तिलक करवाया। खुद भी रामदास के आगे सिर झुकाया और संगत को कहा कि आज से ये आपके गुरुवार हैं, यही आपको धर्म का सही मार्ग बताएंगे। इतना कहते हुए उन्होंने जेठा जी को रामदास के नाम से संबोधित किया।